ये देखें साग है पूरा माशाल्लाह, ये है पंजाब का साग। अब लोग आगे जाके दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर साग भी है और कुछ, ये देखें ये मटर, ये मटर भीजा हुआ है, ये मटर लगा हुआ है। जब हम कराची में मटर लेते हैं ना, ये वो मटर लगे हुए हैं, कितने लंबाई से लगे हुए हैं ये मटर लगे हुए हैं। नीचे होता है, नीचे होता है। ये मटर लगे, ये मटर तैयार है, इसके अंदर दाने हैं, ये अभी है मटर का, तो ये खेत जो है सारा मटर का है, सारे मटर लगे हुए, ये देखें। और ये हमारे यहाँ तो इसे कच्चे भी चबाते हैं, सालन के बगैर भी खाते हैं। ये तकरीबन सारे मटर लगे, आधा बड़ा हुआ है, फिर इससे ज्यादा बड़ा होगा, सारे मटर लगे लगेगा। ये भी जिस तरह लगे हुए ना, इस तरह बढ़ते जाएंगे, ये एकदम गुच्छे से बन जाएंगे एकदम मटर। हम व्लॉग बना रहे हैं भाई, आज हम लोगों को दिखाएंगे खीरा, ये खीरा किस तरह लगा हुआ है पंजाब के अंदर। ये जो लगे हुए क्यों लगाए हुए ये सारे, ये थैलियाँ वेलियाँ, ये देखें आपको खीरा दिखाता हूँ। इसलिए लगाए हुए कि ये कोई परिंदे वगैरह ख़राब ना करें, नहीं इस वजह से सर्दी वगैरह ना लगे, शबनम वगैरह ना लगे, इस वजह से ये ऊपर ढका हुआ है इसको। वो खीरे लगे हुए देखें, ये खीरा लगा हुआ है, ये देखें अभी ये दो दिन में बड़ा हो जाएगा, दो दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा, दो दिन में तैयार होगा। सब खीरे लगे हुए देखें, लंबी लाइन से लगे हुए, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि बताएं आप। ये देखें अगर देखे ना गने के बड़े खड़े रो खड़े, ये खीरा लगा हुआ, ये खीरे लगे हुए, ये देखें ये खीरे लगे हुए, पूरे खीरे खीरे लगे हुए। और क्या दिखाएं आपको, ये खीरे दिखाएं आप लोगों को, कैसे बेहतरीन खीरे, वाह वाह भाई वाह, ओए होए होए, ये पंजाब का तोहफा है। 12 सर्दी भी बहुत है, 12 महीने ये लगा रहता है, ये 12 महीने लगता है भाई। हम चलिए, चलो चलिए जी, आपको और कुछ दिखाएंगे जी। हा? जी बना भी दी वीडियो, चलिए अब चले घर पे, चलें जी घर पे, जाते हैं, बहुत लंबा सफर है भाई।